हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केतन जी देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बिना किसी की गारंटी के हम लोग आपको लोन नहीं दे सकते। मैनेजर साहब, मैं पिछले 15 सालों से आपके बैंक का कस्टमर हूँ, आपके पैसे लेकर भाग नहीं जाऊंगा। सर, बिना किसी गारंटी के आप कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए अपने बैंक के रूल्स भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ तो गड़बड़ है, लगता है कि मरने वाला है। भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब क्या हुआ? लगता है इसे हार्ट अटैक आया। हमने सुना सर, हॉस्पिटल ले चलते। He's dead. CID को बुलाओ। हटिए प्लीज, आ जाइए, उतर जाइए प्लीज, सब एक तरफ हो जाइए। चाचा जी hey. क्या हुआ इन्हें? इनकी मौत हो गई। मौत? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं निशांत और ये मेरे चाचा जी मिस्टर राहुल कुमार। मुझे पता था कि यही होने वाला है। और तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा था? पिछले कुछ दिनों से चाचा जी बहुत परेशान थे, किसी से कोई बात नहीं करते थे, कुछ पूछे जवाब भी नहीं देते थे, इसीलिए हम इनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते थे। मगर आज इसी बैंक में से किसी ने इनको मारा है। देखिए, आप हमारे बैंक को बदनाम मत करिए, हमारे बैंक में कोई खूनी नहीं है। तो फिर कैसे हुई इनकी मौत? बैंक में एग्जैक्टली हुआ क्या था? पता नहीं सर, ये दर्द से तड़पते हुए आए और अचानक नीचे गिर गए। जब ये दर्द से तड़प रहे थे तो उस वक्त ये कहाँ पर थे? सर, ये वहाँ कॉरिडोर से आ रहे थे। ये क्या है उस तरफ कॉरिडोर की तरफ? सर, वॉशरूम। वॉशरूम? सचिन, वॉशरूम चेक कर। सर, CID ज्वाइन करने से पहले काफी एक्साइटमेंट था। लाश देख के खूनी को पकड़ लूंगा, लाश देख के बता दूंगा कि खून कैसे हुआ है। बराबर। अब सर, लाश और खून देख के मुझे अजीब सा होने लगता है। लेकिन CID ऑफिसर बनना सबके बस की बात नहीं है, दिल को मजबूत करना पड़ता है। कोई बात नहीं, वैसे तुम भी सीख जाओगे। क्या हुआ सर? वो देखो, फ्लश का ढक्कन क्यों खुला हुआ है? सर, कहीं ये बैग खूनी का तो नहीं है? हो सकता है, पकड़ो जरा। क्या है? चेकबुक? तो राहुल की चेकबुक है। और ये देखो, राहुल ने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले। सर, बैग तो खाली है। सर, इसका मतलब खूनी ने पैसे भी चुराए और राहुल को मार भी दिया। खून बैंक में हुआ है, खूनी बैंक का ही कोई है। बल्टू से। यस सर। इसके होंठ तो काले नीले पड़ गए। सर, जीभ भी वैसी ही हो गई है। जीभ और होंठ दोनों काले नीले। इन्होंने यहां पे कुछ खाया पिया था? कुछ मालूम है तुम्हें? पता नहीं सर, मैं तो इनसे मिला भी नहीं। शायद कैशर को कुछ मालूम। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में सर।
और तुम्हें? चाचा जी ने तो आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया। जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। क्यों? तुम बाहर गाड़ी में क्यों इंतजार कर रहे थे? एक्चुअली कार पार्क करने की जगह नहीं मिली, इसलिए मैं गाड़ी में वेट कर रहा था। और जब आधे घंटे तक चाचा जी बाहर नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लगा तो मैंने अंदर आके देखा और फिर ये। सर, ये देखिए सर, बाथरूम में से ये बैग मिला है। अरे ये तो मेरे चाचा जी का बैग है। राहुल की बैग? जी हाँ। इस बैग में से ये चेकबुक मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि राहुल ने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले हैं सर। 30 लाख रुपए आज? हाँ सर, और बैग बिल्कुल खाली। ओह, इसका मतलब है ये खून पैसों के चक्कर में हुआ है। हाँ सर, ये खून बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है, सोच समझ के। लगता है खूनी पहले से ही राहुल का इंतजार कर रहा था बाथरूम में। राहुल 30 लाख रुपए लेके बाथरूम के अंदर गया क्यों है? कोई तो है जिसने राहुल को मजबूर किया बाथरूम के अंदर जाने के लिए। ये किसी अंदर वाले आदमी का काम लगता है। मैनेजर साहब जी, सीसीटीवी कैमरा चल रहा है ना? जी बिल्कुल, हमें इसकी फुटेज देखनी है। एक मिनट, जरा इसको रिवाइंड करना। बस, ये राहुल अचानक इस तरफ देख के चौंका क्यों? हो सकता है इसने किसी पहचान वाले को देख लिया उसने। जिस तरफ देख के चौंका, उस तरफ बैंक का दरवाजा है ना? हाँ सर। दरवाजे की तरफ कोई कैमरा है? नहीं सर, पूरे बैंक में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैमरा है। ठीक है सर, ले करो। सचिन, अगर इसने किसी जान पहचान वाले को देखा तो उसके बाद ये पैसे समेट कर अचानक वॉशरूम की तरफ क्यों भाग गई है? एक काम करो, इसे रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। यस सर। एक मिनट, यहां पे पॉज करना। सर, ये चौंकने के बाद बगल में क्यों दिख रहा है? अब समझ में आया कि बात क्या है। चलो। आप समझा कि राहुल बाथरूम में क्यों गया था? क्यों गया था सर बाथरूम में? ये देखो, इसके शर्ट पे ये चाय गिरी हुई है। ये चाय के निशान धोने गया था। मतलब जब ये पैसे गिन रहा था, किसी ने जानबूझ के इसके ऊपर चाय गिराई ताकि ये बाथरूम जा सके। करेक्ट। जैसे राहुल बाथरूम में गया, खूनी ने इसे जहर दे दिया।
या तुम्हारे बैंक में चाय कौन देता है? हमारा पियन जगन देता है। जगन, जगन। जी सर। राहुल के शर्ट पे चाय तुमने गिराई थी? जी नहीं सर। तो फिर किसने गिराई थी? हम तो सिर्फ स्टॉप वालों को चाय देते हैं, वो भी दिन में सिर्फ दो बार। कितने बजे? सुबह 9 बजे और दोपहर 3 बजे। मगर राहुल जी की मौत तो 11 बजे हुई, 11 बजे किसने पिलाई चाय? हो ना हो इस खून में अंदर वाला ही कोई आदमी शामिल है, तुम्हारे बैंक का ही कोई आदमी। बैंक में जाके जहर खा लिया इसने, कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी? हाँ वही तो, वहां जाके जहर खाने की क्या जरूरत थी? बैंक में जाके जहर छूने की क्या जरूरत थी? उठा के खाए? हाँ। बैंक वाले भी जहर रखने लगे? रखा ही होगा, तभी तो गया है मुंह तक। ये जहर छूने से फैलता है, स्किन के जरिए अंदर जाता है, ये खाल के अंदर घुस कर मारता है। ओ, मतलब इस राहुल की मौत जहरीली चीज खाने की वजह से नहीं हुई है? लाश के पेट में जहर नहीं है सर। अगर इसने किसी चीज को छुआ है तो इसकी उंगलियों पे भी कुछ हुआ होगा। हाँ हाँ है ना, ये देखो ये उंगलियों पे निशान देखो। फिर तो सर हमें फौरन बैंक में फोन कर देना चाहिए, अगर किसी और ने भी उस जहरीली चीज को हाथ लगाया तो। नहीं 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 नहीं, वो जहरीली चीज सिर्फ राहुल के लिए थी, नहीं तो किसी और पे भी उसका असर होता ना। देखे जरा डॉक्टर साहब, ये देखो। तरीका, आपके पर्स में कितने पैसे हैं इस वक्त? क्यों बात यहां तक पहुंच गई, तारिका के पर्स में घुस गया। अरे आपके पर्स में कितने पैसे हैं प्लीज बताइए। पता नहीं, होंगे 2-3 हजार। लाइए दीजिए मुझे, लाइए लाइए जल्दी जल्दी प्लीज लाइए। हाथ धुलाओ मेरा जरा। हेलो, थैंक यू। ओ, सर नोटों में था? यस सर, राहुल नोट गिन रहा था और बीच बीच में अपनी उंगली भी गीली कर रहा था। सर वो नोट तो बैंक वालों ने राहुल को दिए थे ना, मतलब कोई बैंक वाला भी इस जुर्म में शामिल है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। वैसे मुझे पहले का एक केस याद आ रहा है, उसमें भी मुजरिम ठीक ऐसे ही खून कर रहा था नोटों पे जहर लगा के। और भी एक काम करो, अपने सारे रिकॉर्ड चेक करो, ढूंढो इस केस के बारे में, मुझे जल्द से जल्द इस खूनी का नाम चाहिए। ये बताओ निशांत, आपके चाचा किस तरह के आदमी थे? दूसरों के साथ कैसा बर्ताव था उनका? वो तो बहुत बड़े इंसान थे सर, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया उन्होंने। हमेशा सबके साथ मिलजुल के रहने वाले इंसान थे वो। मिल गया सर। सर एक ऐसा खूनी है जो बिल्कुल इसी तरह से खून करता है, ये नोटों पे जहर लगा के खून करना फिर पैसे लेके फरार हो जाता है। हाँ सर। क्या नाम क्या है इसका? चंदन। चंदन? मगर सर चंदन तो जेल में। जेल में? हाँ सर, यही कोई 7 महीने पहले वो पकड़ा गया था। ओ, इसका मतलब चंदन का कोई साथी है जो ये सब कर रहा है। अच्छा निशांत, किस किस को मालूम था कि तुम्हारे चाचा बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं? किसी को भी नहीं, यहां तक मुझे भी नहीं पता था कि वो आज बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं।
लेकिन तुम तो गए थे ना साथ में। ड्राइवर छुट्टी पे था, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा चलने के लिए। लेकिन तुम बैंक के अंदर नहीं गए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि बाहर पार्किंग की जगह नहीं मिली, इसीलिए मैं बाहर आधे घंटे से उनका गाड़ी में इंतजार कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझ के गाड़ी में बैठे थे? जैसे ही तुम्हारे चाचा बैंक के अंदर गए, तुमने खूनी को फोन किया और खूनी ने अपना काम कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं और चाचा जी का खून? मुझे अभी तक विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। पानी पीजिए। सर एक बात गौर की आपने, इसे अपने चाचा जी के मरने का दुख कुछ ज्यादा ही है। काफी होशियार हो गया फ्रेडी तुम। हेलो, क्या एक और लाश उसी बैंक में? देखा सचिन, इसे भी ठीक वैसे ही मारा है। ये होठ पे जहर और इस शर्ट पे चाय का दाग। मिस्टर दीपक ने आज पैसे निकाले थे यहां से? हाँ सर, इन्होंने आज 20 लाख रुपए निकलवाए। 20 लाख? ये हो क्या रहा है आपके बैंक में? 2 दिन में 2 खून हुए, वो भी एक ही तरीके से। वो तो है सर, हम तो बर्बाद हो गए सर। तुम्हें अपने बैंक की पड़ी है, दो लोगों की जान चली गई, इसकी जरा भी परवाह नहीं है आपको? अफसोस है सर, बहुत अफसोस है। किसी पे शक है? नहीं। खूनी बैंक का ही कोई आदमी है? बैंक वाले कब से खूनी हो गए सर? वही लोग मारे जा रहे हैं जो बैंक से लाखों रुपए निकलवाने आते हैं। कोई तो है तुम्हारे बैंक में जो खूनी को पहले से बता देता है कि फला फला टाइम पे ये आदमी आएगा पैसे निकालने? कौन है वो? हाँ ठीक है, हम खुद पता लगा लेंगे कि खूनी कौन है। सचिन, सीसीटीवी कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ उसे चेक करो। देखिए आज सुबह यहां पे क्या हुआ था। एक मिनट रिमाइंड कर, अब लेकर ये आदमी यहां पे क्या कर रहा है? मुझे इसकी प्रिंट चाहिए। सर ये देखिए सर, कौन आया था बैंक में? चंदन? लेकिन ये तो जेल में था ना सर? नहीं सचिन, 6 महीने पहले ये जेल से भाग गया था। सर कहीं दीपक और राहुल का खून चंदन ने तो नहीं किया? चलिए इस आदमी को ध्यान से देखिए। आजकल में ये यहां इस बैंक में आया था, देखा इसे? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। तो देखिए, आप लोगों में से किसी ने देखा इसे? ध्यान से देखिए, ये फोटो यहां इस बैंक की है, उस सीसीटीवी कैमरे से खींची गई है। ध्यान से देखो, हाँ अगर किसी को कुछ मालूम है तो बताओ। इस आदमी ने 2 खून किए हैं। नहीं सर, वाकई में हमने नहीं देखा। कमाल है, ये चंदन यहां इस बैंक पे था मगर बैंक में किसी ने भी इसे नहीं देखा। अच्छा एक काम करो, हमारे रिकॉर्ड में चेक करो, देखो इस चंदन का एड्रेस क्या है। अरे बैठो, मैं देखता हूं, बैठो। जी कहिए। चंदन यहीं पे रहता है? रहता था लेकिन अब नहीं। आप लोग पुलिस से हैं? लोग सीआईडी से। आइए। कहिए अब क्या कर दिया उसने? आपको तो पता ही हुआ कि आपका बेटा 6 महीने पहले जेल से भाग गया था। पता है उसके एक एक गुनाह मुझे पता है। भगवान ऐसा बेटा किसी
दुश्मन को भी ना दे। अब क्या क्या है चंदन ने? उसने अल्ट्रा बैंक में 2 आदमियों का खून कर दिया। खून? नहीं नहीं नहीं, मेरा चंदन खून नहीं कर सकता, पता ही है ना उन्हें। चुप कर। जो आदमी जेल तोड़कर भाग सकता है वो किसी का खून क्यों नहीं कर सकता? हाँ माँ जी, उसने उन दोनों का खून किया और उन दोनों के पैसे लेके भाग गया। ये आपका बेटा चंदन हाल ही में आया था क्या? 1 महीने पहले आया था। किस लिए आया था? अरे बेटा है मेरा, अपनी माँ से मिलने आया था, और क्या। क्या बोला था? अब क्या बोलेगा, हमारी गरीबी पे तरस खाकर 2 दिन बाद उससे पैसे भिजवाए और एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर? हाँ, इसलिए कि ये अगर किसी मुसीबत में हो तो हम उसे बुला सके। ये मोबाइल नंबर हमें मिल सकता है? जी, 1 मिनट। नहीं नहीं, सुनिए। अरे सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, चंदन हमारा बेटा है, हम उससे प्यार करता है, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं कानून की मदद कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। हेलो, ये लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप चंदन को सही राह पर ले आएंगे। चंदन के साथ उसके साथी भी हो सकते हैं, संभाल के। चंदन और उसकी पूरी मंडली के लिए मैं अकेला ही काफी हूं सर, आप घबराइए मत। लगने के बावजूद भी जिंदा है? तेरी तो ये ले।
क्या सीआईडी? आने दो उन्हें। इंस्पेक्टर दया वो कभी नहीं मार सकता, मैं जानता हूं। क्यों दया? है ना? चल देख, देख, देख। गोली मत चलाना, पूर्वी को लग जाएगी। देखो जाने दो उसको। ए, छोड़। नहीं दया। सब वो तो मर गया। जिंदा पकड़ना चाहते थे मगर इसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बड़ी तुम ठीक हो? हाँ सर, थोड़ा सा ही लगा है। गुड जॉब। बैंक से लूटे हुए रुपए इसने ये कहीं छुपाए होंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग सीआईडी से हैं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम डॉली है। उन्होंने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है। कब किडनैप किया था उन लोगों ने तुम्हें? 3 दिन पहले किडनैप किया था सर, जब मैं मॉल से शॉपिंग करके वापस लौट रही थी। मेरे पापा से वो लोग 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे। तुम्हारे पापा? मेरे पापा का नाम मिस्टर विजय, वो एक बिजनेसमैन है। मिस्टर विजय? आपकी बेटी डॉली सीआईडी के पास है। अरे नहीं नहीं नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉली, जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था उनके बीच में किसी बैंक को लूटने की बात हो रही थी क्या? बैंक लूटने की बात नहीं तो सर। तो सोच के बताओ, शायद बहुत सारे रुपयों की बात हो रही हो। सर वो तो उन्हीं 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे जो मेरे पापा उन्हें देने वाले थे। ऐसे? अच्छा, बातचीत में कभी अल्ट्रा बैंक का नाम आया था क्या? हाँ सर, आज सुबह उनके बीच बहस हो रही थी। चंदन अपने दोस्त से कह रहा था कि वो अचानक बैंक जाने से वक्त बर्बाद हो जाएगा। क्या? बैंक में जाने से वक्त बर्बाद हो जाएगा? हाँ सर। कितने बजे की बात है ये? सर तकरीबन 10 बजे की बात है। 10 बजे की बात है और सर दीपक का खून 11 बजे हो। इसका मतलब ये चंदन 10 बजे वहां से निकला है। मगर सर चंदन ने ऐसा क्यों कहा कि बैंक जाने से वक्त बर्बाद हो जाएगा? उसका तो प्लान ही यही था कि दीपक को मार के उसके पैसे लूट ले। कुछ तो ऐसा है जो हम लोग देख नहीं पा रहे सर। हो सकता है दीपक को मारना चंदन के प्लान में ही ना। सर अगर चंदन ने दीपक को नहीं मारा है तो वो सुबह बैंक में करने क्या गया था? हो सकता है उसे वहां पे किसी ने बुलाया। एक मिनट, चंदन की जेब से हमें उसका मोबाइल फोन मिला था ना? हाँ। चल लेके आओ। कोई भी मुजरिम एक बार में एक ही जर्म करता है सचिन। ये चंदन 3 दिन के अंदर एक किडनैपिंग करता है, 2 खून करता है,
ये बात थोड़ी अजीब है। सर इसका मतलब चंदन ने सिर्फ डॉली को किडनैप किया, उस आदमी का खून नहीं किया। हो सकता है, तभी तो हमें वहां से बैंक के लूटे हुए रुपए भी तो नहीं मिले। सर सुबह 9:45 बजे चंदन को किसी का फोन आया था, देखते हैं किसका नंबर है। हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं? क्या ओ, ओ, जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ सर, किसका नंबर था? अल्ट्रा बैंक का। क्या चंदन को बैंक में से किसी ने फोन किया था? हाँ फ्रेडी, इसका मतलब खूनी बैंक का कोई आदमी है। हाँ आप आ जाओ, मिल जाएगा जी। हाँ आप वो पैसे नहीं चाहिए, आप आ जाइए सर। तो बैंक तो बंद हो चुका है, सिर्फ अमर सर को छोड़ के बाकी सब जा चुके हैं घर। ठीक है। सीआईडी इस वक्त सर खूनी का कुछ पता चला? बहुत जल्द पता चल जाएगा। विवेक जरा उस नंबर पे फोन लगा। यस सर। ओ, ये फोन है, ये फोन कौन इस्तेमाल करता? सर बैंक का कोई भी स्टाफ इस फोन को इस्तेमाल कर सकता है। सर खूनी काफी चालाक है, एक एक कदम फूंक के रख रहा है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बैंक में जितने लोग काम करते हैं उन सब के रिकॉर्ड चाहिए हमें। पर सर एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स यहाँ नहीं है, हेड ऑफिस से मंगाने पड़ेंगे। निखिल इस बैंक के हेड ऑफिस में फोन करो, उनसे कहो कि 2 घंटे के अंदर अंदर इस बैंक में जितने लोग काम करते हैं उन सब के रिकॉर्ड चाहिए हमें। ये देखिए सर बैंक मैनेजर हरीश की फाइल। अब ये क्या चक्कर है, फाइल हरीश की मगर फोटो किसी और की है इसमें। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने हरीश की फोटो बदल दी? हाँ विवेक मगर कोई ऐसा क्यों करेगा, किसी को क्या फायदा हो सकता है? इसे पहचानते हो? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। तो फिर तुम्हारे मैनेजर के फाइल में इस आदमी की फोटो क्या कर रही है? मुझे क्या मालूम सर, आपके सामने ही हेड ऑफिस से फाइलें मंगाई है। हेड ऑफिस को पता नहीं चला, देखा नहीं उन्होंने? इस फाइल में लिखा है कि 2 हफ्ते पहले इसका ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, और इससे पहले औरंगाबाद वाली ब्रांच में काम करता था ये। हाँ सर उन्होंने अभी अभी तो ज्वाइन किया है ये ऑफिस। ऐसा तो नहीं कि इस फाइल में जो फोटो है वो असली हरीश की है और वो नकली हरीश बैंक मैनेजर बन के बैठा हुआ है और नकली मैनेजर बन के चोरियां करवा रहा है। सर हरीश का एड्रेस भी है इस फाइल में, इस एड्रेस पे चल के देखते हैं कि वहां पे असली मैनेजर रहता है या नकली। लगता है मैनेजर साहब सो रहे। अच्छा तुम्हें कैसे मालूम? नहीं तो सर वो दरवाजा खोलने नहीं आते। हाँ एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। कुछ सुना तुमने, किसी की आवाज? Thank you.
कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग सीआईडी से हैं, ओके? हरीश? हरीश? मैं हरीश हूँ। किसने किया ये सर? मुझे बाहर डालेगा सर, मुझे बाहर डालेगा। कौन? कौन बाहर डालेगा? जिसने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा। ये है वो आदमी? ये सर, ये वो गुंडा, ये सर। तो इसे किडनैप करके इसकी जगह ले ली बैंक में। जिस दिन मैं औरंगाबाद से यहाँ पहुंचा उसी दिन उसने किडनैप कर लिया और मुझे इस घर में कैद कर दिया और बैंक के पेपरों पे मेरे से हमेशा साइन भी कराता रहता सर। बहुत चालाक है, उसे मालूम है नकली साइन करेगा तो पकड़ा जाएगा। और तो और सर, हेड ऑफिस में फोन लगाकर मेरे से बात भी कराता रहता है ताकि ये जाने कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहुत लंबी गेम खेली है इस आदमी ने। पहले उसने इसकी जगह ली बैंक में मैनेजर बन के, उसके बाद उस चोर चंदन को बुलाया हमें गुमराह करने के लिए। मगर सर, चंदन तो एक भागा हुआ मुजरिम था, उसका फोन नंबर कैसे मिल गया उस नकली मैनेजर को? कहीं वैसे तो नहीं मिला जैसे हम लोगों को मिला था? सर मतलब चंदन के माँ बाप से? हाँ, चंदन के माँ बाप से। जरा उन लोगों को ब्यूरो में बुलवाओ। आपने आपको चंदन का नंबर इसलिए दिया था कि आप उसे पकड़ ले, लेकिन आपने तो उसे जान ले ली। मुझे चंदन हमारे ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था, विश्वास कीजिए हमारे पास और कोई चारा बचा नहीं था। चुप करो, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और अब माँ जी बोल रहे हो? शांति, चंदन गलत कामों में लगा हुआ था, इसका इल्जाम सीआईडी पर क्यों लगा रही हो? पूछिए सर, क्या पूछना है आपको? चंदन का नंबर आपने हमारे अलावा किसी और को भी दिया था क्या? जी नहीं, सिवाय आपके। ठीक से याद कीजिए, शायद चंदन का कोई दोस्त यार आया हो आपके पास जिसे आपने नंबर दिया हो। सर एक दोस्त आया था उसका। आया था? किस किस लिए आया था? हमारे लिए पैसे देने। ये पैसे चंदन ने भिजवाए थे? जी, पर मैंने वो पैसे लेने से मना कर दिया। फिर उसने कहा कि आप चंदन को फोन करके बोल दो। मैंने उसी के सामने चंदन को फोन किया और उसे डांटा, कहा कि मुझे तुम्हारी ये पाप की कमाई नहीं चाहिए। नाम क्या था इस दोस्त का? नाम तो याद नहीं सर। अच्छा, आपने फोन करने के बाद अपना मोबाइल उसके आसपास तो नहीं रखा था? हाँ, याद आया, शांति रो रही थी, मैं टेबल पर फोन रख के शांति के पास चला गया। हो सकता है सर उसी दौरान उसने मोबाइल से चंदन का नंबर निकाल लिया। चंदन का नंबर लेकर वो क्या करेगा सर? ये एक लंबी कहानी है, आप जरा ये फोटो देखिए, ये आदमी आया था? जी नहीं, ये वो नहीं था। इसे देखिए, ये आया था? हाँ, यही था, यही था वो। तो ये है वो कलाकार। सामने तो चले गए। हाँ मालूम है, चौथा होगा फिर, मालूम नहीं साहब। क्यों, कोई रिश्तेदार नहीं? नहीं साहब, कोई रिश्तेदार नहीं। उनका भतीजा निशान, वो भी नहीं रहता यार? जी नहीं। निशान यहाँ नहीं रहता तो फिर कहाँ रहता है वो? पता नहीं साहब, शायद उनके ड्राइवर को पता होगा। ड्राइवर? निशान के पास ड्राइवर है? हाँ साहब,
क्योंकि निशान साहब को गाड़ी चलाना नहीं आता ना। हाँ, उसने तो हमसे कहा था कि वो खुद राहुल को लेके आया था बैंक में गाड़ी में। इस निशांत ने हमसे झूठ बोला। क्या है निशांत? नहीं साहब, ये निशांत साहब नहीं है। नहीं है? उसकी कोई फोटो है यहाँ घर में? जी सर, एक मिनट सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैनेजर की तरह निशांत भी नकली है? अभी पता चल जाएगा सचिन। लीजिए सर। ओह माय गॉड, ये निशांत है। इस निशांत के ड्राइवर से हमें इसके घर का पता चाहिए, जल्दी। अरे क्या गजब एक्टिंग करी तूने यार। एक पल के लिए तो मैं भी भूल गया था कि असली निशांत तू नहीं मैं हूं। अरे यार, तू भी कुछ कम नहीं था। क्या धूल झोंकी तूने सीआईडी के आंखों में। अगर तू मूवीज में होता ना तो तुझे अवार्ड मिलता। अवार्ड अवार्ड तो अब भी मिलेगा। हर अच्छे मुजरिम को अवार्ड देने के लिए हम लोग पहुंच ही जाते हैं ताकि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल सके। दया? दया? तुमसे किसने कहा कि मैं दया हूं? मैं दया नहीं, मैं सचिन। और मैं विवेक। तो सर मैं? तुम पूर्वी बन जाओ या फ्रेडी बन जाओ। फ्रेडी सर? नहीं सर, पूर्वी ठीक है। क्यों विवेक जी? जी पूर्वी जी। ये क्या मजाक है? तुम लोगों को बहुत शौक है ना अपने पहचान बदलने की, तो हमने सोचा वही खेल हम भी खेलते तुम लोगों के साथ। जाने दो हम दोनों को, वरना तुम तीनों को यहीं खत्म कर दूंगा। ठीक है जो। कम ऑन। तेरे लिए हम सीआईडी की जीप लेके आए, उसमें ये जो पैसे हम लोगों ने लूटे हैं, तुम उसमें से अपना हिस्सा ले लो। हमें रिश्वत देगा? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है दया। तुम कौन से दूध के तोले हो? अपनी कीमत बोलो बस। तुम्हारी ईमानदारी खरीदेगा तू? इस हाथ की कीमत लगाएगा जो मुजरिमों पे पड़ता है? इस हाथ की कोई कीमत नहीं। इतना जोर से क्यों मारा? मेरा नाम राज है और मैं निशांत का दोस्त हूं। ये है असली निशांत और ये नकली भतीजा। असली निशान, नकली मैनेजर, नकली मैनेजर, असली भतीजा, नकली भतीजा, नकली निशान। सर मेरा सर चकरा जा रहा है सर। क्यों मारा राहुल जी को? वो तो तुम्हारे चाचा थे ना? चाचा जी थे, मगर वो मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे। और फिर मैंने एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि चंदन जेल से भाग गया है। तो तुमने अपने दोस्त राज के साथ मिलकर प्लान बनाया, हरीश को किडनैप किया और तुम बन गए बैंक मैनेजर और अपने दोस्त राज को बना दिया निशांत। मैंने सोचा था कि खून हम करेंगे और पकड़ा जाएगा चंदन। इसलिए जिस दिन दीपक का खून हुआ तुमने चंदन को फोन करके बैंक में बुला लिया। पर क्या फायदा हुआ, आप लोग सच्चाई तक पहुंच ही गए। क्या करें, मुजरिमों के साथ हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, किसी ना किसी तरीके से हम लोग उन तक पहुंच ही जाते हैं। और तुम्हें यह कैसे पता चला कि तुम्हारे अंकल बैंक से 30 लाख रुपए निकालने वाले? मैंने उनको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था और फिर
जैसे ही चाचा जी को बैंक में आते हुए देखा, मैंने कैशियर को आवाज बदल कर फोन किया और उसे फर्स्ट फ्लोर पे आने को कहा। और फिर नोटों पर सहर लगा दिया। और जब तुम्हारे चाचा जहर वाले नोट गिन रहे थे, तुमने वहां पे एक लड़के को भेजा जिसने उनके ऊपर चाय गिराई। चाय का दाग धोने के लिए तुम्हारे चाचा बाथरूम में गए, वहां पे जहर का असर तेज होने लगा और मदद मांगने के लिए चाचा बाहर आए और वहीं पे उनकी मौत हो गई। और इसी बीच मौके का फायदा उठा के वो चाय वाला लड़का सारे पैसे लेके भाग गया। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो अब चाचा जी से मांगना, ऊपर जाके फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।